press the bell icon on the YouTube app and never. तो फिर ऐसा भी कानून लाना चाहिए जब इक्वालिटी अल कुरान कह रहा है और कई आयतों और सूरतों में कह रहा है, कई वर्सेस में कह रहा है, तो फिर इक्वालिटी अगर है वाकई में है और अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपी सपोन है, अगर वो अगर मानते हैं सुन्नत रसूल को मानते हैं तो इक्वालिटी तो फिर इसमें भी है भैया कि अगर मुसलमान लड़की को आप तलाक दे रहे हो वो जिस दिन तक दूसरा निकाह नहीं करती है तब तक आपको भी नहीं करना पड़ेगा। आप तो बड़ा धड़ल्ले से एक होती है दूसरी ले आते हो, दूसरी होती है तीसरी ले आते हो, तीसरी होती है चौथी ले आते हो, वाह वाह। पर नाजिया जी ताजुब की बात तो ये भी है ना कि जिस तरह का ये फैसला है उसके बाद से जो बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो हर बात पे ये कहते हैं कि हम तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए देश, और अपनी जब बात आती है इस तरह की तो ये शरिया को बीच में लेकर आ जाते हैं, संविधान को ये अपने सहूलियत के हिसाब से तो इस्तेमाल करते हैं। अब ये फैसला संविधान के हिसाब से आया है, संविधान की सेक्शन 125 के तहत ही फैसला सुनाया गया, लेकिन आप सोचिए कि अब शरिया को बीच में ला रहे हैं क्योंकि अब इनको लग रहा है कि संविधान के हिसाब से तो इनके खिलाफ चला गया ना फैसला। अंजू जी इसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत के मुसलमान कभी भी इस्लाम मान। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार जो पंकज जी, उनके सामने होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया इलाही खान जी, जो कि बात करेंगी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे जो इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी में आर्टिकल्स को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए और क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए जो छूट दी थी उसको तो हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, और आपको याद दिला दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तो ऐसा ही फैसला दिया था, क्योंकि आज जब डिस्कशन हो रहा है तो ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिला जब दूसरी शादी कर लेती है तो फिर उसको मेंटेनेंस क्यों दिया जाए, या तो वो दूसरी शादी ना करे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो कहा था कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को जिंदगी भर मेंटेनेंस मिलना चाहिए, भले ही वो दूसरी शादी कर ले तब भी मिलना चाहिए, तब भी वो हकदार है। तब तो फिर एक ऐसा कानून भी लाना चाहिए, नहीं होगा तो मैं ही PIL फाइल कर दूंगी कि अगर मुसलमान लड़की तलाक होने के बाद शादी नहीं कर रही है या मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उसको उसके हिसाब से अगर कोई शौहर नहीं मिल रहा है तब तक मुसलमान मर्द भी शादी नहीं करेगा जो उसको तलाक देगा। फिर ये भी लागू होना चाहिए, अकेले भाई मुसलमान लड़कियां ही क्यों बलि चढ़े, है कि नहीं। तो फिर ऐसा भी कानून लाना चाहिए जब इक्वालिटी अल कुरान कह रहा है और कई आयतों और सूरतों में कह रहा है, कई वर्सेस में कह रहा है, तो फिर इक्वालिटी अगर है वाकई में है और अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपी सपोन है, अगर वो अगर मानते हैं सुन्नत रसूल को मानते हैं तो इक्वालिटी तो फिर इसमें भी है भैया कि अगर मुसलमान लड़की को आप तलाक दे रहे हो वो जिस दिन तक दूसरा निकाह नहीं करती है तब तक आपको भी नहीं करना पड़ेगा। आप तो बड़ा धड़ल्ले से एक होती है दूसरी ले आते हो, दूसरी होती है तीसरी ले आते हो, तीसरी होती है चौथी ले आते हो, वाह वाह। पर नाजिया जी ताजुब की बात तो ये भी है ना कि जिस तरह का ये फैसला है उसके बाद से जो बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो हर बात पे ये कहते हैं कि हम तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए देश, और अपनी जब बात आती है इस तरह की तो ये शरिया को बीच में लेकर आ जाते हैं, संविधान को ये अपने सहूलियत के हिसाब से तो इस्तेमाल करते हैं। अब ये फैसला संविधान के हिसाब से आया है, संविधान की सेक्शन 125 के तहत ही फैसला सुनाया गया, लेकिन आप सोचिए कि अब शरिया को बीच में ला रहे हैं क्योंकि अब इनको लग रहा है कि संविधान के हिसाब से तो इनके खिलाफ चला गया ना फैसला। अंजू जी इसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत के मुसलमान कभी भी इस्लाम मानते ही नहीं थे। अब आप बोलिएगा ये कैसे बोल रही हो तुम, अगर इस्लाम मान रहे होते तो कभी भी अपने क्राइम पर संविधान और कानून के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते। भारत के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मांगा, भारत के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड मांगा, भारत के मुसलमानों ने मदरसा मांगा, भारत के मुसलमानों ने 3 लाख से ऊपर मस्जिदें मांगी, भारत के मुसलमानों ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मांगी, भारत के मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए मुसलमान कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक बनाए जाते हैं,
भारत के मुसलमानों ने देवबंद मांगा, भारत के मुसलमानों ने जमायतुल उलमाए हिंद मांगा, भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मांगी, भारत के मुसलमानों ने पीस पार्टी मांगी, लेकिन भारत के मुसलमानों ने इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं मांगा? तब तो लेने के देने पड़ जाते ना। तो ये तो भाई ये तो पक्के मुसलमान है ही नहीं, ये तो पक्के मुसलमान नहीं है। हमारे अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, अल कुरान की आयत में खुद कह रहे हैं कि अगर जना करते हुए, जना का मतलब मोलेस्टेशन या रेप करते हुए, जना करते हुए अगर कोई मर्द पकड़ा जाए तो पत्थर फेंक फेंक करके उसका कत्ल जायज है। मतलब जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में नासिर खान ने सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया तो उसको जेल कचहरी ये सब का जरूरत नहीं था, हम लोग एक भीड़ लगाते उसके ऊपर पत्थर उस वक्त तक मारते जब तक उसकी सांस बंद ना हो जाती। तो ये मांगा मुसलमानों ने? नहीं मांगा। अब आते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात अल कुरान में बहुत बार लिखी हुई है। सूरे अल काफिरून में लिखा हुआ है कि आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, कुरान की आयत है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। सूरे अल बकरा में साफ लिखा हुआ है कि जब तक दूल्हा और दुल्हन हम कलमा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले ना हो तब तक शादी नहीं हो सकती है। क्या ये सब हो रहा है? क्या ये सब हो रहा है? नहीं हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर आराम से धड़ल्ले से। अब आती है बात कि हमारा अल कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते अबू मर्तहद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पक्की मजारे और पक्के कब्रिस्तान तोड़ डाले। पर मजार परस्ती यहाँ हो रही है और कब्रिस्तान के लिए तो समाजवादी पार्टी जो है वो अरबों अरबों रुपया पास करती थी, अभी ममता बनर्जी भी अरबों अरबों रुपया पास कर रही है, फंड दे रही है। तो यहाँ कुरान मान कौन रहा है? यहाँ कुरान कोई नहीं मान रहा है। अपनी अय्याशी के लिए, अपनी ठरकबाजी के लिए, चार बीवी रखने के लिए, तलाक देने के लिए, और वो जो एक फंडा है थूक जिहाद, लव जिहाद, रेप जिहाद, वोट जिहाद, मर्डर जिहाद, गला रेतो जिहाद करने के लिए, ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी क्रिमिनल जंगजू और आतंकी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल आपने सही तरीके से समझाया कि ये सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, कुरान में जो बातें इनको लगता है इनके फायदे के उन्हीं को लोगों के सामने परोसते हैं, जो असलियत में कुरान में कहा गया है जो आपने बताया उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत उम्मीद वाला और एक ऐतिहासिक दिन है कि उनके भी मेंटेनेंस के बारे में सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। अब देखते हैं कि इसका विरोध किस तरह से होता है, कौन कौन इसके लिए पुनर्विचार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला आपने नाजिया जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। मैं आपको नमस्कार जरूर करूंगी लेकिन मैं एक एडिशन करना चाहूंगी इसमें ताकि जी, और अच्छे से समझ में आ जाए लोगों को जी। ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं, ये इस्लाम इस्लाम शरिया शरिया सिर्फ चिल्ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि दो डेकेड से हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, हिजाब इज अ पार्ट ऑफ जिहाद साबित कर पाए हैं? नहीं कर पाए और ना कर सकते हैं। फ्रांस में जो टुकड़े टुकड़े गए मुसलमानों का था वहां पर भी इन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया था कि हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन अल कुरान से साबित नहीं कर पाए। पूरे भारत में नहीं कर पाए, डच में नहीं कर पाए, अमेरिका में नहीं कर पाए, इटली में नहीं कर पाए। ठीक उसी तरीके से ये जितनी भी अश्लीलता वाली चीजों को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर चिल्लाते हैं वो इनसाइड द कोर्ट रूम कभी भी साबित नहीं कर पाते हैं, यही समझ लीजिए इनकी चिटिंगबाजी। तो फिर आप सही कह रही हैं, चिल्लाते रहेंगे कोर्ट के बाहर बैठकर डिबेट्स में चिल्लाते रहेंगे लेकिन असलियत में ये साबित नहीं कर पाएंगे जब ये अदालत में जाएंगे। लेकिन फिर भी जिनका काम नासा जी शोर मचाना रायता फैलाना है वो रायता तो फैलाएंगे। इतनी आसानी से इस फैसले को ये स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नुकसान इन्हीं का होने वाला है। लेकिन आपने इस विषय पर जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा दबंग वकील नाज़िया खान जी ने बात की संविधान वर्सेस शरिया के बारे में और जो मजहब के ठेकेदार और खासकर ये शांति दूत हैं इनको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।